परमिट। हाँ परमिट तो बन गया, पर वो मेरी पड़ोस में जो विधवावासी थी ना, तो तेरी विधवावासी का मैं क्या करूँ? खेल दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? अरे उसकी बेटी को कल कुछ गुंडे उठा के ले गए। ओहो ये तो सीरियस मामला है। मेरा मन बहुत दुखी है। बहुत दुखी हो रहा है। अच्छा तू इधर आ, इधर आ। ऐसा कर यहाँ से सीधा निकल, बाहर निकलेगा ना अच्छा। सीधी सड़क पकड़ लेना अच्छा। फिर बाएं मुड़ जाना हाँ। और फिर पहले दाहिने से मुड़ जाना अच्छा। आगे एक बड़ा सा दफ्तर होगा अच्छा। वहाँ आगे बोर्ड लगा होगा आधा नीला आधा लाल अच्छा। ठीक है हाँ। वहाँ कुछ अंदर टोपी वाले बैठे होंगे, अबे तेरी तरह की नहीं वो खाकी टोपी वाले बैठे होंगे हाँ। वहाँ जाना और अपनी सारी प्रॉब्लम बता देना, जो भी समस्या है ना कि मेरी मौसी की लड़की खो गई है अब उसको ढूंढना है, तो तेरी वो रिपोर्ट लिख लेंगे। वो बेटी मिल जाएगी ना? अबे लड़की मिलने की गारंटी नहीं है, रिपोर्ट लिख जाएगी तेरी। अच्छा हाँ सारी रात ड्यूटी करते हैं भाई और ये सोता है मार साले को थे। नीचे पड़े पड़े करा रिपोर्ट की मार 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 सर। अमेरिका की बनी हो तो एसपी साहब को भेजना है, टाइटन की हो तो मुझे देना है। चलो आ जाए चला नया केस, चलो आ जा इसके लिए जरा कारपेट सही कर आ जा। क्या हुआ? इधर आ जा बीच में आ जा हमारे पास आ जा। हाँ बता क्या हुआ? साहब हमारे पड़ोस में इतना विधवा मसी रहती है। राम सिंह इसके पड़ोस में उसकी बेटी को ना कल कुछ गुंडे उठा के उसकी बेटी को भाई कल कुछ गुंडे उठा के ले गए भाई। अच्छा फिर बता साहब रिपोर्ट लिख लो ना। रिपोर्ट लिख लो भाई रिपोर्ट लिख लो। देखा कितना बहादुर आदमी है, भगत सिंह के बाद यही पैदा हुआ है हिंदुस्तान में। यूपी के थाने का हाईकोर्ट है भाई, हमें और कोई काम ही नहीं है। यहाँ 10-12 VIP आए हुए ड्राइवर के अंदर है, यहाँ क्योंकि विधवा मासी की लड़की का गुंडे उठा के लेकिन सर आ रहा है तमाशा मचा रखे हैं। इसको और कोई काम ही नहीं है, बता रहे जैसे एटम बम फट गया है ड्राइवर के अंदर। एक बात नहीं कहा सर, वो DCP साहब का ऑर्डर है कि रिपोर्ट इसकी लिखनी पड़ेगी। SP साहब हां सर, SP साहब का ऑर्डर साहब ले ले उसे आ जा। रे घर आ क्या कर इसको क्या उस्ताद भी है पूरा गैंग आया भाई पूरा गया भाई। अच्छा काम क्या करता है? तमाशा दिखाते। तमाशा क्या होता है? गैंग दिखाते हैं। गरीब है मजदूर है हुजूर नहीं भूलूंगा। जा दे हफ्ता 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 हफ्ता
इसके पैर में कबच्ची लगा के उठाए से। हाँ क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा। नहीं कह रहा सर। अगर इसका बेटा जो ड्राइवर है स्टेशन पे, अगर शाम तक 2000 रुपए लेके नहीं आया तो उसको ले जाके क्या करेंगे? अरे सारे पे एनकाउंटर आ ले आ ले। आजा बेटा आजा। मैं तुझसे पहले ही कह रहा था थाने पुलिस के चक्कर में मत पड़। मुझे भी लगवा दिए ना बुढ़ापे में 2 डंडे। पेट में दर्द हो रहा है तो फिर तुझे मैं अस्पताल ले चलता हूँ। सरकारी अस्पताल में इलाज बढ़िया होएगा तेरा। ले चलता हूँ बेटा, ले चलता हूँ। चिंता न कर, थोड़ी देर झेल ले, मैं ले चलता हूँ। डॉक्टर साहब जो है 10 बजे बैठते हैं। ठीक है, चल धीरे धीरे चलना, आराम आराम से, है ना। बकर बकर बंदे को सीना पे पूरे सो सो करो जाती कर मोटा चल मनाही कैसा छोटा कर बकर। नया पेशेंट बुलाओ, जमुरा नाम है। जमुरा आजा बेटा आजा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। डॉक्टर के बैठने को सीट ना है सरकारी अस्पताल में, ये बैठेगा बताओ। अरे खड़ा है, क्या हुआ इसे? वो जी कल थोड़ा थोड़ा इसके पेट में दर्द हो रहा था और वो हराम चदर पुलिस वाले ने ऐसा लात मारी इसके पेट में, बहुत दर्द हो रहा है। हमारे अफसरों को तू गाली मारता है साले? जरूर कोई चोर चक्का होगा। तो मुझे पता नहीं है, उनके कहने पे कत्ल का मुकदमा एक्सीडेंट में कर देते हैं। पर डॉक्टर साहब गरीब तो इस रात में गरीब है सर, गरीब है। पहले क्यों नहीं बताते गरीब है? आमदनी हो जाएगी तेरा। तो सरकार चल रही है पिछले 65 साल से। चल बेटा लेके ले लेके। तुम ना पहुंचे अभी कब्रिस्तान? अच्छा बड़ा ही नहीं क्या हुआ इसके? अजी तू बड़ा ना, इसके पेट में पथरी है, पथरी पथरी। ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब कर दीजिए ना ऑपरेशन फिर। अरे कर तो देंगे लेकिन पूरे 50,000 तो इंडेक्स महंगाई का बढ़ गया तो उसमें 5,000 रुपए और बढ़ा दो। 55,000 रुपए लगेंगे। लेकिन ये तो सरकारी अस्पताल है, 55,000 रुपए किस बात के? पिताजी ने धर्मशाला खुलवा रखी है। ले यार बाहर करो, कितनी लाइन लगी है बाहर करो। अरे साहब कहीं से भी लाएंगे, जल्दी करो। ये लो 10,000 रुपए इसने अपनी बहन की शादी के लिए जोड़ के रखे थे। अरे बहन की शादी तो तब होगी जब ये बचेगा। बाहर बैठो, शादी के पैसे का इंतजाम करो। रुको रुको सर, ये लीजिए। क्या है? रुपए सर। ना रुपए मत लिया करो, स्विस बैंक वाले डॉलर मांगते हैं भाई। और देखो ध्यान से लिया करो, दीवारों के भी कान होते हैं। और यहाँ तो कोई जस्टिस साहब आए हुए बड़े खतरनाक। ध्यान रखो, साइन करो। साइन क्या लिखा है? अरे साइन करो, बोलते बहुत करो साइन। इसमें लिखा है ऑपरेशन करते वक्त अगर तुम्हारा जमुना मर गया तो उसमें अस्पताल की, डॉक्टर की, नर्स की कोई जिम्मेदारी, अमेरिका की, यूनाइटेड नेशंस की कोई जिम्मेदारी नहीं। बाहर बैठो। मतलब अस्पताल की और डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पैसे पूरे वसूलेंगे 55,000 रुपए। पुलिस वाले इधर उसको बाहर निकालो, परेशान कर रहे हैं। इसको नर्स ऑपरेशन थिएटर में ले चलो और लाइट ऑन करो। सर लाइट तो आई नहीं रही। हमारा कूलर तो चल रहा था सर, आप यहाँ तो जनरेटर लगा रहे हैं। टॉर्च निकालो, टॉर्च। ये अभी टॉर्च से पहले उसको चाकू तो लाओ। नर्स ये गोभी काट के साफ करके तो रख दिया करो। सर कई बार नहीं अच्छी होता। आओ सर, हमने तो इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया। दे दो, दे दो, अब दे दो। सर मगर इंजेक्शन का तो हिसाब हो गया, आपके घर आपका हिस्सा पहुंच गया सर। अच्छा तो क्लोरोफॉर्म सुना दो। सर क्लोरोफॉर्म तो रखे रखे उड़ गया, वो नर्सों ने भेज दिया। क्या करे सर, महंगाई हमारे लिए भी तो है। कोई बात नहीं, इसका नाक और मुंह बंद करो, देसी तरीका बेहोश करने का, देखो अभी हो जाता है। नोसोफॉर्म सर, नोसोफॉर्म। आयुर्वेदिक तरीका है बेहोश करने का, खरबों रुपया देश का हम बचवा देंगे इसमें। अरे उस्ताद आजा आजा, टॉर्च तो लो। इसके पेट में तो पक्का नहीं है सर, मगर आपने तो कहा था पेट में पथरी है। पथरी है कहा था?
हमारे देश के नेता पिछले 65 साल से कह रहे हैं गरीबी दूर करेंगे, कर दी उन्होंने। हमने सोच रहे कि इनको पत्थर का कह दिया था, कोई निकालना चाहिए। लेकिन सर हमने 10,000 ले लिए एडवांस में। 10,000 वाला पत्थर ले आओ वहाँ से। 5,000 वाले पत्थर मैंने अलग छान के रखे हैं। 20,000 वाला 5,000 वाला लगा दे। बुला लो उसको। कितनी देर से बुला रहे हो? ये देखो क्या निकला, पत्थर। पहले ही कहता था आड़ का बाड़ खाता रहता है। हाँ सुन सुन, अभी बात सुन। ऐसा है कि अभी इसको जो है 15 बोतल ग्लूकोज और 10 बोतल खून देना होगा। ले आओ। क्या डॉक्टर साहब, ये तो चाह दीजिए मेरे अस्पताल में से। हमने तो कल ही सुना था। कल सुना था ना, 24 घंटे हो गए। वो हुआ ये कि रात को हमारे मंत्री जी के साले अस्पताल में भर्ती हुए थे, सब उन्हें चढ़ा दिया। ये मत कह देना लड़की को छेड़ा था और पिट कर आया था। बस ये घूमने ये घुमा था और ले आओ। देखा, ये देश का खून नेता लोग चूस रहे हैं और इनके रिश्तेदार अस्पतालों का खून चूस रहे हैं। बाकी का पैसा भी लेकर आई हो। मनमोहन केमिस्ट यहाँ से सीधा जाओ बाहर, बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो, आगे मनमोहन केमिस्ट आएगा। असली दवाई है, असली दवाई। ये जरा सवाल लेकर आ जाओ, मुझे बता रहा है। जरा डीटी रूम में बैठ के जरा कॉफी पी लो। ये लो नर्स, क्या कर रही थी? नब्ज देख रही थी। इसकी नब्ज क्या इसकी जेब में? नर्स मैं हूँ कि तुम हो? कौन है? पैसे ला बाकी के, जल्दी करो, बहुत पेशेंट बैठे। 10 रुपए सैकड़ा सूद पे लेके आया हूँ। सूद पर लाया तो हम पर। हम अमेरिका से 25 रुपए सैकड़ा पे करते हैं, पागल कहीं का। तू बाहर चल, कौन सा एहसान कर रहे हैं? और डॉलर में लगा कर भाई। सिलाई कर दे। हाँ जाओ सिलाई कर। लाओ कैंची, लाओ कैंची। सर कैंची तो इसके पेट में ही रहती है। कैंची इसके पेट में रहती? ये तो मेडिकल लीगल केस है। नहीं नहीं सर, घबराइए मत, गरीब आदमी है। हाँ गरीब आदमी इनको तो भूख हजम हो जाती है, थोड़ी सी कैंची हजम होने में कितनी देर जाएगी। सर कोई बात नहीं। ऐसे क्या, मरना नहीं। नर्स जी सर, आज ही 8वां मरीज ऐसे ही हो गया। सर बड़ी कोशिश करते हैं, बचते ही नहीं। We consulted an able team of doctors. We made all attempts, you know, but we could not save your jamura. Doctor, मेरी कुछ समझ में नहीं आया, मेरा जबरा ठीक हो गया ना? इसीलिए तो अंग्रेजी में बोल रहा था ताकि तेरी कुछ समझ में ना आए। मेरा जमुरा? अरे भाई, तुम्हारा जमुरा भगवान राम को प्यारा, मुसलमान खुदा को प्यारा हो गया। सिख तो भाई को हो गया। हमने बहुत कोशिश की मगर बचा ही नहीं। तुम लोगों ने मिलके मारा मेरा जमुरा। हमारी बीवी पिछले 25 साल से कह रही है अमरीका चलो, अमरीका चलो। हमने कहा नहीं, जब इंदिरा गांधी ने इस देश की सेवा की, अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश की सेवा कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी इस देश की सेवा कर रहे हैं, तो हम भी इस देश की सेवा करेंगे। हम नहीं जाएंगे विदेश। सर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आप बाहर जाएंगे। आई विल टेक वन पैक प्लीज, डू नॉट सेल इट। और ये गरीब आदमी था, जरा फाइल से जुड़वा लो। नो प्रॉब्लम, लो साइन करो। अब आखिरी वक्त में तो लाए थे, पहले लाते तो बच जाते। अब देखिए आखिरी वक्त में लाते, मर जाता है पेशेंट तो उसमें बदनामी और डॉक्टरों नर्सों की होती है। जाओ ले जाओ लाश। देखा भाइयों, मेरा जमुरा पेट की पथरी निकलवाने के लिए अस्पताल आया था और खुद खुद पत्थरों पर रह गया। आप लोग भी तो हर रोज सरकारी दफ्तरों में, अस्पतालों में, पुलिस थानों में यही सब खेलते हैं, देखते हैं। मैं तो अपना सब कुछ खो के जाग पाया, लेकिन आप अपना कुछ मत गवाइए, कुछ मत गवाइए। जाग जाइए। सभी अफसर
सभी दफ्तर खुलते, सभी दफ्तर खुलते, सभी दफ्तर खुलते।